हैप्पी गणेश चतुर्थी हमारे तरफ से। लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, आज आज सैटरडे है, तो आज हम लोग सेम काम, दो दो वर्ड। और आप लोग में से कुछ लोग होंगे जो काफी बोर हो गए होंगे कि सर क्या ये बच्चों वाला काम कराते हैं, दो दो वर्ड। बट ट्रस्ट मी, दोज आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लर्निंग इंग्लिश। ओके, अगर आप वो डिसिप्लिन 2 मिनट का अपने लाइफ में हमेशा बना के रखते हैं, आई कैन गिव यू गारंटी दैट यू वुड नॉट नीड मी। आप वो दो डेली दो वर्ड सीखते रहेंगे ना, सच्चाई ये है कि हम ही नहीं करते, हम ही नहीं कर पाते। अगर आप डेली अपने लाइफ में वो दो वर्ड का प्रैक्टिस करते रहेंगे, सेंटेंस बनाते रहेंगे, सुनाते रहेंगे लोगों को, हमेशा वो कोशिश जारी रहेगा आपका सीखने का ना, देन यू विल सी कि यू डोंट एक्चुअली नीड एनी एनी क्लासेस। तो मतलब बोलो बोला कि लोग अपना अपना ही बिजनेस चौपट कर रहे हैं, तो पलाव तो मेरा बिजनेस नहीं है, तो इसलिए हमको चौपट होने का डर नहीं है। तो कल को आप लोग क्लास में रहेंगे नहीं रहेंगे, उसमें मेरा नुकसान कुछ नहीं है, हमको खुशी मिलती है आप लोग क्लास में रहते हैं ना, लेकिन मेरा मेरा बिजनेस नहीं है। तो इसलिए इसलिए हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि आप लोग को मेरी जरूरत नहीं है। जो लोग अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं, उनको उनको ये डर रहेगा कि हम ये फॉर्मूला बता देंगे तो फिर जो है बच्चा लोग चला जाएगा, फिर हमको मेरा कमाई कैसे होगा। तो मेरे लाइफ में वो डर नहीं है, इसलिए हम बहादुरी के साथ आपको बोल पाते हैं कि आप लोग अगर डेली दो दो वर्ड का सीखने का प्रैक्टिस जारी रखेंगे तो आप लोग को मेरा जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सैटरडे विल स्टे फोकस्ड एंड आई विल कीप ऑन एम्फसाइजिंग द फैक्ट कि आप लोग अपना दो वर्ड सीखने का कार्यक्रम कभी बंद मत कीजिएगा, एटलीस्ट टिल यू कम टू अ पॉइंट वेयर यू थिंक कि हाँ आई एम डन, आई डोंट रियली हैव टू कीप ऑन लर्निंग टू वर्ड्स। क्योंकि ये 15 मिनट का काम है डेली का, ये करते रहिए, तब तक करते रहिए जब तक कि आप इतने कॉन्फिडेंट नहीं हो जाइए कि अभी कुछ दिन अगर रोक भी तो दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए, सो लेट्स लेट्स गेट स्टार्टेड। जो जो लोग तैयार हैं अपना हाथ खड़ा कीजिए और दो दो वर्ड सुनाइए। चलिए भाई, ये वाला सबसे आसान काम होना चाहिए, आप लोग तो प्रैक्टिस है बहुत ज्यादा। चलिए, आंचल ने हाथ खड़ा कर दिया, बोलिए आंचल। गुड मॉर्निंग सर। टुडेज गुड मॉर्निंग भाई। माई टू वर्ड्स आर फ्यूरियस एंड इम्पेरियस। माई फर्स्ट वर्ड इज फ्यूरियस। वी वर्कड ऑल ट्राई ऑल नाइट एट अ फ्यूरियस पीस। आई वॉज लेट एंड ही वॉज फ्यूरियस विथ मी। आई वॉज फ्यूरियस वेन ही क्रैश्ड माई कार। आई वॉज एब्सोल्युटली फ्यूरियस विथ हिम। And my second word is imperious. He attitude is imperious at time. All his imperious orders were obeyed. Obey. He raised her hand in a imperious gesture. The professor. नहीं रुक जाइए, थोड़ा सा स्लो, थोड़ा स्लो बेटा। जेस्चर जेस्चर ज जा, जाना जेस्चर है। द प्रोफेसर वाज एज इंपीरियस एज एवर। थैंक यू सर, दैट्स ऑल। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया बेटा। चलिए, आपके साथ में दीपक और नंदिनी भी हैं? नो सर। ओके, कोई बात नहीं, तो चलते हैं पुष्पांजलि के पास। गुड मॉर्निंग सर। टुडेज गुड इवनिंग बेटा। माय टू वर्ड आर पुअर एंड रिच। माय फर्स्ट वर्ड इज पुअर। आई एम पुअर। वी कंसाइडर आवर सेल्व्स पुअर। वी देन कंसीडर कंसीडर सर वी कंसीडर आवर सेल्व्स पुअर। देन दिस नॉट डज नॉट दिस नॉट। We thinks it. It would be better if you were rich. We can do not some things, but this is the best. But this is the biggest mistake.
if we consider ourselves poor, consider if we consider ourselves poor, then we can't fulfill our dreams, so we should not consider ourselves poor. We always happiness is anytime. My second word is उसको बोलेंगे बेटा वी हाँ सॉरी बेटा इसमें इसे बोलेंगे वी ऑलवेज कंसीडर आवरसेल्फ वी शुड वी कैन वी ऑलवेज कंसीडर आवरसेल्फ हैप्पी दैट इज द न्यूज़ हाँ बोलो माय सेकंड वर्ड इज रिच आई एम नॉट रिच इफ वी आल्सो रिच सो शुड नॉट बेस्ट वी सोल्ड हेल्प द पुअर And honesty and laborious to must serve. That's all, sir. Thank you, sir. Very nice, बहुत बढ़िया. चलिए चलते हैं. Can I इसमें देखते हैं बच्चे लोग कौन क्या बोलना चाहते हैं. Can I education से बच्चे लोग बोलिए भाई. क्या हो गया सन्नाटा इतना. ओके चलिए एक काम करते हैं वेलकम बैक टू कन्हैया एजुकेशन वन मोर टाइम. मुनी कुमारी बोलिए बेटा. गुड मॉर्निंग सर. गुड इवनिंग बेटा. टुडे माय टू वर्ड्स आर स्ट्रगल एंड नीड. माय फर्स्ट वर्ड इज स्ट्रगल. देयर सेंटेंसेस आर I struggle. Indian workers struggle for freedom. We struggle for nihilation of caste. My friends struggle for study. My second word is need. Their sentences are I need book. We need good teacher. We need good parents. My friend need money. That's all, sir. बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बेटा. तो चलते हैं प्रिया के पास. प्रिया कुमारी बोलिए भाई. गुड मॉर्निंग सर. गुड इवनिंग बेटा. टुडे माय टू वर्ड्स आर थॉट एंड वर्ड. My first word is thought. We should think to good thought. I am 30. छोटा देखिए. We should think of good thoughts नहीं कहेंगे. We should have good thoughts. मतलब विचार बोलते हैं ना हम लोग. अच्छा विचार के बारे में सोचेंगे नहीं. विचार भी अपने सोचने का प्रक्रिया है ना. तो आप बोलेंगे We should have good thoughts. I am satisfied to your thought. Thought means good word. Thoughts change your life. And my second word is word. Words are good and bad. Word is a unique word. Words should be spoken thoughtfully. Words are make or break things. Words can make or break things. That's all, sir. थैंक यू. बहुत बढ़िया बेटा. तो चलिए चलते हैं अभी माही के पास. हेलो सर. हेलो बेटा. माय टू वर्ड्स आर सैक्रिफाइस एंड एडुकेशन. सैक्रिफाइस. सी हैड टू सैक्रिफाइस अ लॉट फॉर हर फैमिली. He sacrificed her personal life in order to get ahead in his career. The village of the goods would accept their sacrifice.
sacrifice. Many women sacrifice their own ambition to put their family first. यहाँ पे एक चीज ख्याल ध्यान रखिए बेटा, own, own जो है ना, many women sacrifice their own thing for their family. Own. Okay sir. My second word is education. Education is a basic need for everyone to live a good life. Education is a tool that help people learn skill knowledge. Education help people understand their rights and duty toward their family society. Education help people develop creativity and explore new thing. Education help people become well-rounded individual. Thank you sir, that's all. देखिए अच्छा वर्ड सुनाई पड़ा हमको, वेल राउंडेड, मतलब होता ना जैसे वेल राउंडेड इज अ वेरी नाइस वर्ड, बोलते ना ये बड़ा बहुत सुलझा हुआ आदमी है, तो दैट इज वेयर यू यूज अ टर्म वेल राउंडेड, सुलझा हुआ, मतलब नहीं था कोई कोई चीज, कोई मान लीजिए आपके पास एक एक कोई खिलौना है, अगर उसका सारा किनारा अगर अच्छे से एकदम पॉलिश किया हुआ, चमकाया हुआ है, तो उसका दैट इज It looks good. तो वैसे ही है, well rounded को का मतलब है something that is, you know, in a very good shape. बहुत बढ़िया बेटा, चलिए चलते हैं सुप्रिया के पास. Good morning sir. Good evening बेटा. Today my two words are impress and depress. My first word is impress. He only had one chance to impress her. His plan to impress his boss backfired. Dash to impress at your next job fair. I have to impress my boss with my work. He wanted to impress with his fancy car. I hope my artwork will impress my parents. He liked to impress people with big words. And my second word is depressed. I have been depressed. Rohit was depressed. I often feel depressed. I suddenly feel depressed. You seem a little depressed. You are depressed or not you. Rohit seems to be depressed this morning. That's all, sir. Very nice. तो देखिए यहाँ पे दो चीज था, एक तो आपने कहा you seem to be depressed aren't are not you, तो are not you जो है उसको थोड़ा स्टाइल में बोलेंगे aren't you, aren't, जिसे aren't, आर के बाद न हल्का सा बोल के ट, यू सीम टू बी डूइंग दिस जॉब वेरी वेल, aren't you enjoying this, aren't you, आर नट ऐसे, मतलब इसको आप तोड़ से aren't, ठीक है. और तीसरा था आपका दूसरा चीज जो हम चाहेंगे थोड़ा और पॉलिश करना, विच इज आपने कहा ऑफ्टन, ओ एफ टी ई एन, उसको हम लोग प्रोनाउंस करते हैं थोड़ा स्टाइल में ऑफन, ऑफन टी गायब हो जाता है, टी साइलेंट हो जाता है, ठीक है. तो ये दो चीज आप प्रैक्टिस करेंगे, आपके सेंटेंसेस वर प्रीटी गुड, वी जस्ट ट्राइंग टू डू सम राउंडिंग ऑफ व्हाट यू डिड. ओके ओके बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं, रौनक के पास चलते हैं. गुड मॉर्निंग सर. गुड इवनिंग बेटा. टुडे माय वर्ड इज एयर. एयर इज एवरीवेयर वेयर वी लिव, वी नीड एयर टू लिव, वी नीड एयर टू ब्रीथ. एयर हैज मेनी यूजफुल गैसेस. एयर हैज मेनी यूजफुल गैसेस इन इट. We cannot
see and touch air. Strong air blowing is called air. Air also have pressure in it. We need air to fly kites. Clean air is good for our health. Air is the most important elements for all living organisms. My second word is water. Water is called life. It's very substance. We water for drinking, cooking, washing, washing. Water is useful for agriculture. We get water from air, river, wells. It is water cover 21% of the earth's surface. We cannot live without water. बहुत बढ़िया। चलिए तो चलते हैं फिर कन्हैया एजुकेशन। बोलना चाहेंगे कुछ आप लोग? गुड मॉर्निंग सर। गुड इवनिंग बेटा। टुडे इज टू वर्ड आर नोटबुक एंड बुक। ए नोटबुक इज यूज्ड टू राइट नोट। नोटबुक में बी थिक और थिन। वी यूज ए नोटबुक फॉर स्टडी। आई सोल्ड ए बुक। दिस इज माय बुक। वेयर इज माय बुक? क्लोज योर बुक। क्लोज क्लोज। This book is smaller. हो गया सर। हो गया, very nice. और कोई कुछ बोलना चाहेंगे? सर थोड़ी देर में। ओके okay. ठीक है, चलिए अंकित के पास चलते हैं। मॉर्निंग सर। गुड इवनिंग बेटा। माय वर्ड ऑफ द टुडे आर इकोनॉमिस्ट एंड कॉन्सेप्ट। And my sentences are from concept. The concept of justice. I struggled to understand the book's central concept. A new concept is corporate hospitality. Corporate hospitality. अब जो words बोलते हैं उसको enjoy भी कीजिए। Corporate hospitality. The center has kept firmly to its original concept. The concept would then be sold on to a suitable developer. Suitable developer. My second word is इकोनॉमिस्ट। दैट सेंटेंसेस आर देखिए इसमें एक मिनट रुकिए रुकिए बेटा, उतना जल्दी नहीं कीजिए। इकोनॉमिस्ट इकोनॉमी होता है, इकोनॉमिस्ट। हाँ बोलिए। ही वाज अ फॉलोअर ऑफ इकोनॉमिस्ट। ही इज अ सिंसियर इकोनॉमिस्ट। द इकोनॉमिस्ट ऑफर ए ग्रैंडर सच में। This fellow had an economist with him. This fellow. Fellow होगा, FELLOW, right? Yes, this sir. Fellow है, हाँ, fellow. I went to work as a home economist. He is the greatest economist in the world. Thank you, sir. That's all. Very nice. अब देखिए आप लोग को हम सबको रोकते रहेंगे, परेशान करते रहेंगे बीच बीच में, एंड ओनली पर्पस नाउ इज टू डू दैट फाइन ट्यूनिंग। ठीक है कि आप लोग जो बोलते हैं उसमें और
कैसे थोड़ा स्टाइल डालना है, कैसे उसको और मजेदार बनाना है, कैसे उसको और पावरफुल बनाना है उसके लिए, ठीक है। आई हैव नो इंटेंट ऑफ बॉदरिंग यू गाइस, ऐसा नहीं कि आप लोग को बीच में परेशान करना है, मेरा मेन पर्पस है कि आप लोग जो बोलते हैं उसको और इंटरेस्टिंग कैसे बनाया जाए और पावरफुल कैसे बनाया जाए, ठीक है। तो आई एम अज्यूमिंग दैट यू गाइस विल टेक इट दैट वे ओनली, कोई ये मत सोचिए कि सर बहुत परेशान करने लगे आजकल, बीच बीच में बात काट देते हैं, वैसा नहीं है। सीखना सीखने का कार्यक्रम है, और ताकि जब आप लोग क्लास का वीडियो भी बाद में देखेंगे तो आप व्हेन यू कैन गो बैक टू योर पार्ट ऑफ द वीडियो यू कैन मेक आउट कि अच्छा हम जो ये बोल रहे थे उसमें ये वाला करेक्शन के लिए बोला गया था, दैट आई कैन प्रैक्टिस। ओके, तो कोई भी यहाँ पे दिल पे नहीं लेगा, कोई बुरा नहीं मानेगा कि सर जो है रोकते हैं, सर परेशान करते हैं, परेशान नहीं करते बेटा आप लोग, ठीक है। चलिए चलते हैं सुनैना के पास। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। टुडे माय टू वर्ड्स आर टीज एंड टीयर। फर्स्ट वर्ड टीज, देयर सेंटेंसेस आर माय फ्रेंड्स टीज मी, माय फ्रेंड्स टीज माय सिस्टर, माय ब्रदर टीज माय फ्रेंड्स, I tease my mom. My dad teases me because I can't invite my friends over. Second word, tear. Their sentences are, I had tear in my eyes. My mother had tear in her eyes after seeing me. My eyes filled with tear after seeing my father. I got tear in my eyes after watching the ghostly movie. My friends had tear in their eyes after giving it to me after 2 years. That's all, sir. Thank you. Very nice sentences. चलिए चलते हैं आचल के पास। I'm sure कि it is not आचल, it is दीपक और नंदिनी। Good evening, sir. Good evening, बेटा। So today my two words are achievement and movement. Achievement provide the only real pleasure in life. It was unkind to denigrate her achievement. This was no mean achievement for the government. I rank her achievement very highly. Sir, movement. They cooperated in the movement. They were watching her every movement. He was the visual leader of movement. A sudden movement catch my eye. Thank you, sir. बहुत बढ़िया बेटा। नंदिनी कुमारी भी है उधर? नहीं है, कोई बात नहीं। ओके, चलिए फिर आगे बढ़ा जाए। चलते हैं वीर और क्रिस के पास। यस सर। सर टुडे माय टू वर्ड्स आर एनवायरनमेंट एंड जर्नी। माय फर्स्ट वर्ड इज एनवायरनमेंट। वी नीड टू प्रोटेक्ट आवर एनवायरनमेंट। एंड माय सेकंड सेंटेंस इज, बाय पॉल्यूशन वी आर डिस्ट्रॉयिंग आवर एनवायरनमेंट कंटीन्यूअसली। एंड माय थर्ड सेंटेंस इज, बाय प्लांटिंग ट्रीज एंड सेविंग वाटर वी कैन प्रोटेक्ट आवर एनवायरनमेंट। That's all, sir. My second word is journey. The journey to the summit was challenging but rewarding. She documented her journey through photographs and drafts and videos. Their journey together was filled with both thrills. That's all, sir. बहुत बढ़िया। आपके साथ में वीर भी हैं? Yes, sir.
बोलिए भाई. सर टुडे माय टू वर्ड्स आर प्रिसेप्ट्स एंड इमोस. माय फर्स्ट वर्ड इज प्रिसेप्ट्स व्हिच मींस लॉ और रूल. माय सेंटेंसेस आर एवरीवन शुड फॉलो द प्रिसेप्ट्स. Our constitution contains all the necessary precepts. I must not break my father's precepts. It is important to follow the correct precepts. My second word is remorse, which means sadness. My sentences are, the people are in remorse of their disaster. The prisoner is in the remorse of his sins. He is in deep remorse. That's all, sir. बस बढ़िया. Let's go to Kanhai Education. देखें कौन क्या बोलना चाहते हैं. बोलिए भाई. Today is two word are computer and mouse. Computer is an electronic machine. The computer repaired took all day. I don't know much about computer. Computer बोलिए, computer नहीं बोलिए बेटा, है ना? Computer. A mouse is an input device. The mouse is a pointed device. A mouse is a small in size. हो गया सर. हो गया. और कोई कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं तो अभी देखते हैं कि क्लास में और कौन कौन लोग हैं जो एकदम चुपचाप बैठे हैं, जो अभी तक कुछ नहीं बोले. लेट मी सी. आशीष जी आप नहीं बोले हैं. देन आई हैव नॉट हर्ड रितिका, आई हैव नॉट हर्ड रोहित. तो आशीष जी, रितिका और रोहित आप तीन लोग बोलिए भाई. जैसे जैसे रेडी हो हाथ खड़ा कीजिए, बोलिए. हैप्पी गणेश चतुर्थी सर. आप लोग को भी सबको. सर मैं फर्स्ट वर्ड इज हेल्प एंड सेकंड वर्ड इज सेल्फ. आई से फर्स्टली अबाउट हेल्प. वी हैव टू टेक हिज हेल्प टू meet him. God does not need anyone's help to say what he wants. We can say it directly. I need help from Brinder sir and all of you friends to learn English. We should each other in society. We should take help in society. We must help our soldiers during war. Now my second word is self. Our nature should not be such that we just think about self. We should do our work self. If we are thinking for self, then I should think good. What would have happened if God also thought about self? Hence, we should think about the entire society and not just ourselves. There is not much difference between self and selfie. Self means swing and selfie means taking picture oneself on self. That's all. बहुत बढ़िया. तो चलिए रोहित और रितिका आप लोग कुछ बोलना चाहेंगे? या गणेश चतुर्थी के दिन मौन व्रत धारण किए हैं? क्या बोलिए बेटा? गुड मॉर्निंग सर. गुड इवनिंग बेटा.
Today my two words are trade and trade. My first word is trade. It means webar. I am working for a trading firm. International trade is vital for healthy economics. Sometimes trade between two countries can be complex. It is the only trade I have learned. I would not trade a child for pride. It could not exactly have been a fair trade. Trading with Japan is not easy. And my second word is trend. It means look clear. Their sentences are, this is a growing trend. It would be reverse to stop this healthy trend. You seem to have trend. There was a public trend in the market. The event changed the trend of public opinion. Police are very disturbed about the latest trend. Police are very disturbed about the disturbed. These statistics display a definitive trend. That's all, sir. Bahut badhiya. To चलिए तो देखिए आप लोग को हम मतलब हम डबल माइंड में थे कि आज क्लास करें नहीं करें, आज गणेश चतुर्थी है, कहीं बच्चा लोग ये नहीं कहे कि सर जो है क्लास के चक्कर में पूजा पाठ भी छोड़ देते हैं, फिर लगा कि चलो नहीं रूटीन गड़बड़ाना नहीं चाहिए, तो इसलिए हम रखे क्लास एंड गुड दैट यू ऑल ज्वाइन। चलिए रोहित आपने कुछ नहीं बोला, रोहित ने नहीं बोला है और अभी नैतिक ऑल्सो है ज्वाइन, तो I would suggest you guys to go ahead and share your words. Natik and Rohit. Bully Natik. Good evening, sir. Good evening, brother. So today's my words are reckoning and scornfully. The first word is reckoning. That sentences are, the new champion draws the reckoning king. The goal is to defeat the reckoning champions. Kingless, but forever reckoning in our hearts. She is the reigning champion of the golf game. They are the reigning champion of the big luggage. The rising star draws the long reigning queen. She is the reigning champion in the dramatic matches. He is the reigning champion in the backstory event. He was the reigning champion in the tennis tournament. The athlete competed against the reigning champion. The reigning king was known for his just and fair rule. That's all, sir. Answer my second word is scornfully. That sentences are, he replied to that charge scornfully. Scornfully का मतलब बता दीजिए. क्या सर? इसका मतलब भी बता दीजिए. Scornfully का मतलब. सर scornfully that means तिरस्कार, किसी का अवहेलना करना. बात ना मानना. चलिए. बोलिए. He spoke of us scornfully as
raw rusticates. Glancing at her scornfully, he told her that the dress was soiled. My lady carelessly and scornfully abstracted her attention. He looked at him scornfully. I don't think so, the judge said scornfully. That's all, sir. Thank you. बहुत बढ़िया. चलिए, वेरी वेल डन. चलिए चलते हैं नई एजुकेशन में. बोलिए भाई. सर, टुडे इज टू वर्ड्स आर क्रिकेट एंड सन. क्रिकेट इज द मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट इन द वर्ल्ड. क्रिकेट इज अ गेम प्लेयर विथ बैट एंड बॉल. This is a cricket team game. Sun. The sun is a star. The sun gives us light. The sun is a ball of fire. Sir, ho gaya. Ho gaya, bahut acha hua. Sir, hum bhi bolenge. Sir, Atul bhi bolega. Boliye, boliye. Today is two word are smartphone and bird. I don't use a smartphone nowadays. A smartphone is a very useful device. But there are many drawbacks of a smartphone. I saw many birds today. Birds travel in a group. We see many birds around us. हो गया सर. बहुत बढ़िया. चलिए तो नियम से आया कीजिए ताकि आप लोग का प्रैक्टिस होता रहेगा और नया नया चीज सीखेंगे. आप लोग बीच बीच में थोड़ा गायब हो जाते हैं, दिस इज नॉट गुड. हमेशा रहेंगे तो हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे, है ना. तो जल्दी से सर, वाईफाई खराब हो गया था इसलिए नहीं ज्वाइन कर पा रहे. कोई बात नहीं, ठीक है. तो हम जस्ट चेक कर रहे हैं कि कौन कौन छूट रहे हैं. सबने बोल दिया या नहीं बोला. भैया कुमारी ने भी बोल दिया. आई थिंक एवरीबॉडी हैज स्पोकन. और आज जो है रामकर्ता गणेश चतुर्थी की वजह से बहुत लोग छुट्टी पे हैं, इसीलिए आज का हमारा क्लास जो है छोटा क्लास होगा. तो आई विल लेट यू गाइस गो. कल जो है कल हम लोग एक टॉपिक रखते हैं, फेस्टिवल्स इन इंडिया. ठीक है, हम लोग पर्व त्योहार के बारे में बात करेंगे. तो आई वुड वांट कि आप लोग जो है कोई चार चार पांच सेंटेंस सोच के आए और फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया के बारे में बात करें. अब फेस्टिवल्स के बारे में बात करेंगे तो चाहे आप दुर्गा पूजा का बात कीजिए, दिवाली का बात कीजिए, छठ का बात कीजिए, ईद उल फितर का बात कीजिए, रमजान का बात कीजिए. ठीक है, तो सब कुछ चलेगा. तो बेसिकली हाँ, चलिए नाविया भी आ गई है तो नाविया भी बोलेंगी. तो जस्ट वांटेड टू सेट द कॉन्टेक्स्ट कि कल के क्लास में हम लोग विल मेक श्योर दैट आवर टॉपिक वुड बी फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया. तो आप लोग चूज करेंगे आपको कौन सा फेस्टिवल के बारे में बात करना है. What is the importance of those festivals on our culture, our society? And that would be the plan for tomorrow. Chaliye, Navya, aap toh late se join kiya aaj, lekin thankfully class band hone se pehle join kiya. To chaliye, aap boliye bhai. Do word ka, aaj toh Saturday hai, do word share karna hai. Good morning, sir. Good evening, okay. Today's my two words are enormity and illicit. उसका मतलब भी बता दीजिए भाई, सबको समझ जाए. So my first word is enormity. It means dushtata. Whose sentences are I was numbered by the enormity of the responsibility. It's difficult to grasp the sir enormity of the tragedy. Tragedy. Her words brought home the enormity of what was happening.
I don't think you really realize the enormity of the problem. People are still coming to terms with the enormity of the disaster. Even now, the full enormity of his crimes has not been exposed. It makes no sense to belittle the enormity of disaster which has occurred. I was speechless, still trying to assimilate the enormity of what he did told me. Incomprehensible the enormity of it all. Sometimes the enormity of it is overwhelming. It is made redundant by the enormity of the city. And second word is illicent. It means Awad. Whose sentences are? She slipped outside for an illicit cigarette. He had an illicit association with Jen. He tracked it in illicit liquor. Traffic in illicit drugs was not worth some $500,000 a year. The college cannot condone any behavior that involves illicit drugs. Many such drugs were, in fact, illicit now. The declared goal of Washington's policy is to stunt the flow of illicit drugs. That's all. Thank you, sir. Very nice. चलिए रौनक कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोलिए भाई. सर हम बोलेंगे. अच्छा बोलिए. टुडे इज टू वर्ड आर बैग एंड बोतल. आई कैरी ए बैग टू मेनी स्कूल. टू माय स्कूल. अच्छा टू माय स्कूल. देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ बैग. पीपुल कैरी बैग्स फॉर वायरस रीजन वायरस बोलेंगे तो लोग डर जाएंगे भाई. बोतल इज यूज टू स्टोर लिक्विड. इसको थोड़ा सा चेंज कीजिए बेटा. बोतल नहीं बोलेंगे, बॉटल. बोतल. देयर आर टू बोतल, वन प्लास्टिक अनदर मेटल. I drank cold drink through bottle. हो गया सर. Very nice. हाँ सी जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोलिए. Yes sir, your introduction type का है वो. दो लाइन अभी लिखा है सर. Myself Ashish Kumar Mishra. I belong to Bihar. I was live in Madhubani district, but now we live in Delhi. Delhi is fast city. People always run here for earning money for family. I also running as well and working in currently in Biomedio India Private Limited.
this company is providing biomedical kits. I am working there. I am working there with self-operation team. I have own house I made before 1.5 years. I enjoying here, but always missing to my native place. I wish everything goes well and we stay there. That's all. Very nice. चलिए तो सर ये सही था, इसमें कुछ चेंजेस था जस्ट अभी लिखा था? नहीं नहीं नहीं, सेंटेंसेस ठीक था, उसमें कुछ माइनर चेंजेस था. जनरली एक काम करते हैं, लेट्स डू लिटिल डिफरेंटली. अभी जो जो आपने बोला ना, इसको जब हम अपलोड करेंगे तो अपना वाला पोर्शन को फिर से सुनिएगा, ठीक है? ठीक है सर. सुन करके देखिए कि इसमें क्या चीज था जो करेक्ट हो सकता है. हम आपको बीच में रोके नहीं, बिकॉज नो यू आर गोइंग इन अ फ्लो. देयर वर सम स्मॉल अपॉर्चुनिटी व्हिच आई डोंट रिमेंबर कि कहां पे था, लेकिन हमको ध्यान है कि एक दो जगह पे था करेक्ट करने का, ठीक है? तो आप देख के बताइएगा, देख के आप हमको वन ऑन वन बताइए कि हाँ सर यहाँ पे ये दो चीज हम शायद इसको ठीक कर सकते थे, ठीक है? और नहीं तो फिर हम भी एक बार देखेंगे इसको, तो अगर हमको कुछ फिर से वीडियो देख के कुछ याद आएगा तो आपको बताते हैं, ठीक है? श्योर सर, श्योर सर. तो और दूसरा चीज ये है कि देखिए सभी के लिए यहाँ पे कि जब भी कुछ सीख रहते हैं ना, उसमें उसमें छुपाने शरमाने से कुछ चीज को एकदम दूर रखिएगा. मतलब ये कभी मैं सोचिएगा कि अच्छा ये तो गलती हो जाएगा, लोग क्या कहेंगे, मतलब पता नहीं ये तुमको लगने लगा कि ये सही है. वो सब जो डर होता है मन में ना, कि गलत होने का डर या लोगों का हंसने का, लोगों का प्रतिक्रिया क्या होगा, वो सब चीज के बारे में जितना सोचिएगा आपका सीखने का प्रक्रिया उतना ही स्लो चलेगा. इसलिए सलमानी बनाने का चक्कर मत रखिएगा कोई भी, मतलब सबके लिए. जैसी जी आराम से बोले कि हाँ सर उसमें कुछ गड़बड़ था क्या, एंड दैट इज हाउ इट हैज टू बी, बिकॉज अल्टीमेटली आवर गोल इज टू लर्न एंड पॉलिश आवरसेल्व्स. तो इसीलिए सरमाने बनाने का प्रक्रिया को 6 महीने के लिए डिले कर दीजिए, सरमाने का काम 6 महीने के बाद, अभी नहीं, ठीक है? ठीक है सर. ओके चलिए, बहुत बढ़िया सी जी. अभी देखते हैं कि कुछ लोग और ज्वाइन किए. रुद्रा कुछ बोलना चाहेंगे, बोलिए. वी हैव 10 मोर मिनट्स बिफोर वी रैप अप द क्लास. रुद्रा है एंड रुद्रा इज द ओनली वन हु हैज नॉट स्पोकन येट. हाँ तो रुद्रा, अच्छा चलिए रुद्रा छोड़ गए, तो कोई बात नहीं. तो आज का क्लास ओके. रुद्रा आप कुछ बोलना चाहेंगे? ये टू शेयर टू हेलो बेटा. टुडे माय टू वर्ड्स आर सिमिलर एंड एस्थेटिक. My first word is similar. Insurance companies are already overbounded with similar claims. It's similar in size to a tomato. My father and I have similar views on politics. The three portraits are remarkably similar. We have similar tastes in music. The two boys look very similar. The two and boys look very similar. थोड़ा सा minor mistake है. Two boys yes, look sir. very similar. हाँ. Your opinion is similar to mine. And my second word is aesthetic. My aesthetic standards are quite different from his. The new building has little aesthetic value appeal. He responded very strongly to the aesthetic of his particular work. Artist finally awoke to the aesthetic possibilities of photographies. A new aesthetic had been involved. That's all, sir. बहुत बढ़िया. आपके साथ में साजिद भी है? Yes, sir. साजिद बोलिए भाई. Hello, sir. Hello, brother. Today's my two words are prescriptive and abrogate.
प्रेस्क्रिप्टिव होगा ना, पी आर एस सी आर आई पी टी ए वी, प्रेस्क्रिप्टिव। हाँ प्रेस्क्रिप्टिव। हाँ माय फर्स्ट वर्ड इज एब्रोगेट। बोथ गवर्नमेंट्स वोटेड टू एब्रोगेट द ट्रीटी। द प्रेसिडेंट एब्रोगेटेड एन ओल्ड लॉ। द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर कुड एब्रोगेट द ट्रीटी। द गवर्नमेंट कैन नॉट जस्ट एब्रोगेट एब्रोगेट कॉन्ट्रैक्ट्स। द नॉर्मल प्रिविलेज अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन इज एब्रोगेटेड। द ट्रीटी वॉज एब्रोगेटेड इन 1929। एंड माई फर्स्ट सेकेंड वर्ड इज प्रिस्क्रिप्टिव। प्रिस्क्रिप्टिव। द गोल टूडे इज नॉट टू बी प्रिस्क्रिप्टिव। This process is anything but prescriptive. The cogency of this prescriptive analysis is highly questionable. Direct primary legislation is largely permissive rather than prescriptive. Most teachers think the government's guidelines on homework are too prescriptive. It is a descriptive sentence science. Sorry, sir. It is a descriptive science, not a prescriptive one. Only prescriptive way can insert the accuracy and comparability. Comparability. Thank you, sir. That's all. बहुत बढ़िया। तो देखिए, जो लोग थोड़ा लेट से ज्वाइन किए थे, उनके लिए यह है कि we will since we are approaching the the festival season, right? So we will talk about festivals of India. And again, when I say festivals of India, you can pick up any festival that you want to talk about, the association of that festival with the cultural part of it, right? Chahe wo Eid ho, Ramzan ho, Deepavali ho, Durga Puja ho, Holi ho, every festival has its own significance on the society and what it teaches us. To matlab uska positive sides, होली में हुरदन कर करके किसी की आंख में कीचड़ डाल दिया, उसके बारे में बात नहीं करेंगे। वी विल टॉक अबाउट द ब्राइटर साइड ऑफ फेस्टिवल्स। ओके, सो आई वुड सजेस्ट एवरीबॉडी टू कम प्रिपेयर्ड विद फ्यू लाइंस टू टॉक अबाउट फेस्टिवल्स इन इंडिया एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन आवर सोसाइटी। ठीक है, सो दैट इज व्हाट विल बी आवर टॉपिक फॉर टुमारो। एंड अगेन, मेक श्योर दैट वी आर नॉट putting anything in a negative way. We have to only talk about the positive aspect of each and every festival. Theek hai? So with that being said, we can disperse for now. Aur kal milte hain fir same time. Aap log class ka video baad mein dekh lijiyega, jisko bhi jo bhi hum beech beech mein aap log ko pareshan karke rokte hain, wo dekh lijiyega ki kya roke the, kya message tha, aur usko fir practice karenge. That is how it will keep on improving. Theek hai? All right, चलिए मिलते हैं फिर अगले क्लास में tomorrow same time. Have a nice day, sir. Thank you, बेटा. Good night. चलिए, bye bye. Bye, sir. Thank you. Bye, sir. Bye. Bye, bye. Bye, sir. Bye, bye. Bye, Navya, I think, Serena. Bye, sir. Have a nice day. Good night, thank you. Jaliye, bye-bye. Bye, Nathik. Bye, sir. Bye, Vita. Have a nice day, sir. Thank you. Good night. Good night. यह नदी का आप ड्रॉप आउट कर सकते हैं।
Hello, Uta. Hello. Can you turn on your video? Hi, Sam. Good morning. How are you? So it'll be a very short class, okay? It'll be a 30-minute class only for you, okay? And I'm not recording it, okay? Or do you want me to record it? You are talking on mute, Bitter. It's your choice if you want to do it or not, like record it or not. So what we'll do is we'll not record this because nope. So that we'll focus more on the concept that you're trying to understand, right? So keep your video on. I'm not recording it. Okay, this is only for you to understand. Now, when I was talking to your daddy, he cut again. Pressure. Okay, so when I was talking to daddy, he said that no, there are some concepts that you guys would want me to explain to you guys, right? So next 30 minutes, we'll just quickly talk about the coordinate planes, okay? And then we will try to relate that with the linear equation that we were discussing in the class. We might not be able to cover a lot of things, but we will see what all we are able to understand. Okay, let me share my screen real quick. And remember this, I'm not recording this, so you will not have this class's video for your reference. And I'm not recording because I want to make sure that your faces are visible, my face is visible, and it's not going in any public domain. Okay, let me first stop recording. Okay, this part, yeah, this was a previous class that was getting recorded. So anyways, this class is different. All right, so